हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फैशन फिट निशा। तो कैसे आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। और गर्मी बहुत पड़ रही है तो आप लोग प्लीज अपना ध्यान जरूर रखें, अपने साथ पानी की बॉटल को कैरी करें और अपने आप को हाइड्रेट रखें बॉडी को, क्योंकि सब बहुत गर्मी पड़ रही है तो सबको अपना ध्यान जरूर रखना चाहिए। तो गाइज, आज का जो हॉल होने वाला है वो है मीशो कुर्ती हॉल। मैंने बहुत अच्छी कुर्तीज इसमें सेलेक्ट करके चूज करके मंगाई हैं और इसमें मैंने जो है दो साड़ियों को भी इंक्लूड किया है। और ये जो सारी कुर्तीज है, कोशिश की है मैंने कि ये कॉटन या रेयन फैब्रिक में ही मैं इसको मंगाऊं, क्योंकि गर्मी में ये समर अप्रोप्रिएट होती है, पहनने में ईजी रहती है और हमें गर्मी भी नहीं लगेगी। तो इसके अकॉर्डिंग मैंने कुछ कुर्तीज को चूज करके ऑर्डर किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का मीशो कुर्ती हॉल और देखते हैं कि कैसी कैसी कुर्तियां मेरे पास आई हैं, कैसी रिसीव हुई हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का मीशो कुर्ती हॉल। तो सबसे पहले जो कुर्ती होने वाली है वो बहुत ही प्यारी रेड कलर की कुर्ती है और इसका कलर बहुत सुंदर लग रहा है। और चलिए देखते हैं क्या फैब्रिक में रिसीव हुई है। ये कॉटन फैब्रिक में मुझे रिसीव हुई है, काफी अच्छा फैब्रिक है, फैब्रिक की क्वालिटी बहुत अच्छी है। आप देख रहे हो इस पे जो ये रेड कलर की कुर्ती है, बहुत ही अच्छा रेड है, वैसा एकदम ब्राइट वाला रेड नहीं है, बट बहुत ही प्यारा सा रेड दिया हुआ है इसमें व्हाइट कलर को, के आपको इससे से प्रिंट्स मिल जाएंगे और साइड स्लिट ओपन मिल जाएगी। और देख लेते हैं पॉकेट है क्या इसमें, नहीं पॉकेट्स नहीं है। और स्लीव्स मिल जाएंगी, आप चाहो तो स्लीव्स को अटैच करा सकते हो, अदरवाइज ये आपको स्लीवलेस मिलेगा। तो जो लोग स्लीवलेस पहनना पसंद करते हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा ऑप्शन है और गर्मियों में तो बेस्ट है। ये देखिए इस तरीके से बैक साइड में भी आपको प्रिंट मिल जाएगा ऐसे, और फ्रंट साइड में आपको इस तरीके से आगे की ओल की डिटेलिंग मिल जाएगी। इस तरह से बटन लगा हुआ है, काफी स्मार्ट कुर्ता है। जीन्स पे, किसी प्लाजो पे या पैंट पे आपने पहन करके आप आराम से ऑफिस जा सकते हो, कॉलेज जा सकते हो, काफी अच्छा लग रहा है ऑप्शन। और ये भी मैंने लार्ज साइज में बाय किया है और कलर ऑप्शन मुझे याद नहीं है, आप वहां पे जाके चेकआउट कर लीजिएगा कि कलर ऑप्शंस है या नहीं है। तो मुझे ये कलर बहुत अच्छा लग रहा था सो मैंने इसको ऑर्डर कर लिया। तो चलिए देख लेते हैं इसका ट्राई ऑन की ये कैसी लग रही है। जो नेक्स्ट कुर्ती होने वाली है वो है ये नेवी ब्लू कलर की और इसमें व्हाइट कलर से टाई एंड डाई का प्रिंट है जो कि काफी अच्छा लग रहा है। और ये कुर्ती आपको मिलेगी रेयन कॉटन पे, ये भी बहुत अच्छा फैब्रिक है, छूने से ही पता चल रहा है कि फैब्रिक बहुत अच्छा है। इस तरीके का प्रिंट मिल जाएगा आपको, कॉलर पैटर्न मिल जाता है और बटन की डिटेलिंग मिल जाएगी। और ये बटन्स ओपनेबल नहीं है, ये शो के लिए दिए हुए हैं, ऊपर से आपको गला इतना दिया हुआ है कि आप आराम से इसे पहन सकते हैं। और 3/4 स्लीव्स मिल जाएंगी इस तरीके से, बाकी ऑल ओवर आपको पूरा कुर्ता सेम प्रिंट पे आएगा, टाई एंड डाई का काम है इस पे। बैक साइड से भी आपको ये सेम प्रिंट मिलता है और मैं तो ये कहूंगी कि ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, काफी कम्फर्टेबल लग रहा है, फैब्रिक बहुत अच्छा दिया हुआ है इसका और साइड स्लिट भी ओपन है यहाँ की और फ्रंट स्लेट भी, थोड़ी सी फ्रंट स्लेट भी ओपन मिलेगी आपको इसमें इस तरीके से। तो फैब्रिक बहुत अच्छा है, मस्ट बाय है, जरूर आपको ये बाय करनी चाहिए ये कुर्ती। और व्हाइट कलर के बॉटम के साथ या सेम कलर के बॉटम के साथ ये काफी अच्छी लगेगी। तो और ये सारी जो कुर्तीज है गाइस ये बहुत ही अफोर्डेबल रेंज की है, 400, 500, 300 इस तरीके के रेंज की कुर्तीज हैं। तो मुझे लगता है कि इतनी अच्छी डील तो हमें बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, तो हमें जरूर से ये कुर्तीज बाय कर लेनी चाहिए क्योंकि ये बहुत ही कंफर्टेबल ऑप्शन है समर्स के लिए और जो लेडीज घर में सूट वगैरह पहनती है उनके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। तो मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है ये, आप बिल्कुल बाय कर सकते हो विदाउट एनी डाउट। तो चलिए देख लेते हैं इसका भी ट्राई ऑन की ये कैसी लगी। नेक्स्ट कुर्ती है ये एक शॉर्ट कुर्ती मैंने ऑर्डर की है जीन्स पे पहनने के लिए। तो ये इस तरीके से प्रिंट है, देख लीजिए आप, इसका ब्राउन कलर का प्रिंट है, पूरा ऑल ओवर प्रिंटेड आपको ये कुर्ती मिल जाती है। इस तरीके से इस पे बॉर्डर मिल जाएगा और ये भी कॉटन में मिलेगी आपको, इस तरीके से राउंड नेक मिल जाएगा। बैक साइड से भी आपको ये पूरा इसी तरीके से प्रिंटेड कुर्ती मिल जाएगी। तो इस तरह की कुर्ती इसके जो ऑप्शंस होते हैं ना वो काफी इजी होते हैं कि बस हम कहीं जा रहे हैं, हमने जीन्स डाली या प्लाजो पैंट्स कुछ भी डाला, ट्राउजर डाला और उस पर आपने ये कुर्ती डाल ली, तो ये काफी इजी ऑप्शन होता है और बहुत कंफर्टेबल ऑप्शन होते हैं। तो मुझे काफी पसंद है घर में इस तरह से कुर्तीज को पहनना, तो मुझे तो काफी अच्छा लगता है।
क्योंकि गर्मियों में सूट वगैरह बहुत कम ही पहने जाते हैं घर में, तो इस तरह के ऑप्शंस जो लोग पहनना पसंद करते हैं वो डेफिनेटली पसंद कर सकते हैं। और ये काफी अच्छा ऑप्शन है कुर्तीज का, तो चलिए देख लेते हैं इसका भी ट्राई ऑन कि ये कैसी लग रही है। ये भी मैंने लार्ज साइज में ही बाय किया है, ये देखिए इस तरीके से आएगी, तो चलिए देख लेते हैं इसका भी ट्राई ऑन कि ये कैसी लग रही है। जो नेक्स्ट कुर्ता है वो बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर सा कलर है, आप देख रहे हो पिंक कलर, और पिंक कलर की कुर्ती मैंने ऑर्डर करी है तरीके से। कलर बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे, इस तरीके से आएगी ये देखिए, और इसमें भी आगे आपको बटन की डिटेलिंग मिल जाती है इस तरीके से ये, और 3/4 स्लीव मिल जाएगी ये देखिए, और प्योर कॉटन का फैब्रिक मिलेगा, फैब्रिक बहुत अच्छा कॉटन दिया हुआ है। साइड स्लेट ओपन मिल जाएगी और फ्रंट स्लेट भी ओपन है इसमें, और इसमें मेरे ख्याल से और भी कलर ऑप्शन है, तो आप देख सकते हो वहाँ पे शायद रेड था कि ब्लू था, कोई था वहाँ पे ऑप्शन, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। काफी अच्छा फैब्रिक दिया हुआ है, बहुत ही समर वाइब दे रहा है, बैक साइड से भी आपको पूरा सेम प्रिंट मिल जाएगा इस तरीके से, तो ये भी मेरी तरफ से हाईली रिकमेंड है, क्योंकि आप बहुत ही अच्छा फैब्रिक और इतने अच्छे इकोनॉमिकल प्राइस में आपको ये कुर्तीज मिल रही है ना, तो मुझे लगता है ये डील तो बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, और बहुत ही अच्छा फैब्रिक है। सो कलर तो बहुत ही प्यारा है, कलर भी बहुत अच्छा लग रहा है, व्हाइट कलर के बॉटम के साथ दुपट्टे के साथ बहुत ही अच्छा लगेगा ये, तो चलिए देख लेते हैं इसका भी ट्राई ऑन कि ये कैसी लग रही है। और ये भी मैंने लार्ज साइज में बाय किया है, और सारे आपको स्क्रीन पे प्राइस मिल जाएंगे और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए देख लेते हैं कि ये कैसी लग रही है। जो नेक्स्ट कुर्ती है वो है ब्लैक कलर में, काफी अच्छी लग रही थी स्क्रीन पे, और ये रेयन फैब्रिक में आपको मिलेगी इस तरीके से, ये देखिए कुर्ती का जो फैब्रिक है काफी अच्छा फैब्रिक दिया हुआ है, कोई डाउट नहीं है इसमें, रेयन फैब्रिक है, इस तरीके से स्लीव्स दिए, काफी अच्छे स्टाइलिश आपको स्लीव्स मिल जाती है इस तरीके से, और पूरे ब्लैक कलर के कुर्ते में व्हाइट कलर का इस तरह से आपको प्रिंट मिल जाता है, आगे आपको ये कॉलर डिजाइन मिल जाएगी, और आगे ये इस तरह से बटन की डिटेलिंग मिल जाएगी, बैक साइड से भी आपको ये सेम मिल जाएगा इस तरीके से, काफी अच्छा प्रिंट है, बहुत ही अच्छी इसके डिजाइन है, व्हाइट कलर के बॉटम के साथ या ब्लैक कलर के बॉटम के साथ, इट लुक्स एलिगेंट, तो बहुत ही प्यारा लगेगा, और इसको स्लीव्स मिल जाती है आपको, तो मेरी तरफ से तो ये हाईली रिकमेंडेड है, क्योंकि बहुत ही प्यारा पीस है, इसको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, इसको तुरंत बाय कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा पीस है और देखने में भी अच्छा लग रहा है, बाहर भी पहन के जा सकते हो, तो मेरी तरफ से हाईली रिकमेंड है, और चलिए देख लेते हैं इसका भी ट्राई ऑन की ये कैसी लग रही है। कुर्ती है बिल्कुल इजी ब्रीजी समरी वाइब देती हुई, ये देखिए कितनी प्यारा कलर है इसका, व्हाइट एंड मेहंदी ग्रीन कलर जो होता है ना वो है, तो सारी कुर्ती मैं आपके सामने ही अनबॉक्सिंग करती हूँ, और मैंने इसको ओपन नहीं किया था, बस हाँ ये पता चल जाता है कि हाँ ये कुर्तीज जो मैंने ऑर्डर की थी वही है, ये देखिए ये प्योर आपको प्योर कॉटन में मिल जाएगा, इस तरह से बटन की डिटेलिंग आपको सामने मिलेगी, और इस तरह से आपको चाइनीज कॉलर मिल जाता है, इसमें शॉर्ट स्लीव्स मिल जाएंगी, और ये काफी कंफर्टेबल लग रहा है देखने से ही, बस एक प्लाजो पे डालना है आपको इसको, बहुत स्मार्ट लगने वाला है ये, आप देख सकते हो, तो डेली वेयर में भी आप इसको यूज कर सकते हो, ऑफिस जाते हैं तो वहां भी पहन सकते हो, कॉलेज जाते हैं तो वहां भी पहन सकते हैं, काफी समरी वाइब दे रहा है ये, और बहुत ही कंफर्टेबल भी लग रहा है, और प्योर कॉटन है तो ये अपने आप में ही बहुत ही कंफर्टेबल होगा, ब्रीदेबल फैब्रिक भी है इसका, ये देखिए इस तरीके से साइड स्लिट आपको ओपन मिल जाएगी, तो मेरे हिसाब से तो ये बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन है समर्स के लिए, कि अगर आप फ्री रहना चाहते हैं और स्टाइल में भी देखना चाहते हैं
और तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है और इसमें और भी कलर ऑप्शन है, काफी सारे कलर ऑप्शन है, तो आप वहां से चेकआउट कर लीजिएगा। मेरे को ये अच्छा लगा था तो मैंने ये ऑर्डर किया। इसमें पिंक भी है, बहुत सारे कलर्स हैं, तो आप वहां से देख सकते हो। इसका भी प्राइस आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक। तो चलिए देख लेते हैं इसका ट्राई ऑन की कैसी लग रही। नेक्स्ट कुर्ती होने वाली है वो है ये व्हाइट एंड पिंक कलर के कॉम्बिनेशन की, और ये सारे समरी कलर हैं तो अच्छे लगते हैं ऐसे इजी ब्रीजी से कलर्स। ये देखिए इस तरीके से कुर्ती आएगी, ये भी आपको कॉटन फैब्रिक में मिल जाएगी इस तरीके से, और आगे योग पट्टी से मिरर वर्क मिल जाएगा आपको। इस तरह से ये बांधने के लिए डोरी मिल जाती है जिसपे की गोटा पट्टी वाली वो लेस लगी हुई है। ये स्लीव्स पे भी आपको इस तरह से मिल जाएगा, 3/4 स्लीव्स मिल जाएंगी और आपको ये साइड स्लिट ओपन मिल जाएगा। तो ये एक स्ट्रेट कुर्ता है, बैक साइड से आपको पूरा ये प्रिंटेड इस तरह से मिल जाएगा। ये देखिए तो ये भी काफी अच्छी लग रही है। इन सारे जब सबके कुर्तीज के सारे के प्राइसेस आपको स्क्रीन पर मिल जाएंगे और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो योग पार्ट पे ये काफी अच्छा इन्होंने वर्क दिया हुआ है, तो काफी अच्छा लग रहा है, आप देख सकते हो। आप इसको किसी व्हाइट कलर का बॉटम हो या इसको जो पिंक कलर दिया उस कलर के बॉटम के साथ आप स्टाइल कर सकते हो, तो काफी अच्छा लग रहा है और बहुत ही प्यारा कलर है। तो आप चाहो तो डेफिनेटली इसे बाय कर सकते हो। और नीचे बॉटम पे भी आपको इस तरीके से ये गोटा पट्टी की या पत्ती पत्ती लेस मिल जाएगी इस तरीके से, तो ये भी काफी अच्छा ऑप्शन है फॉर समर्स, तो आप इसको बाय कर सकते हो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, चेकआउट कर लीजिएगा, स्क्रीन पे प्राइस मिल जाएगा आपको। तो चलिए देख लेते हैं इसका भी ट्राई ऑन की ये कैसी लग रही है। गाइस मैंने आपसे बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में कि मैंने इसमें दो साड़ीज को भी इंक्लूड किया है। दोनों बनारसी साड़ियां हैं, ऑब्वियसली रेप्लिका है बनारसी की, प्योर बनारसी नहीं है। इतने कम प्राइसेस में अच्छा प्योर बनारसी नहीं मिलते हैं, बट रेंज वाइज बहुत इकोनॉमिकल प्राइस में मैंने इनको बाय किया है, काफी अच्छा ऑप्शन है। और जो पहली साड़ी होने वाली है ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा ब्लैक कलर है जिसपे मरून बॉर्डर दिया हुआ है, तो ये अपने आप में ही बहुत सुंदर लग रही है। देख सकते हो आप कितनी सुंदर लग रही है इस तरीके से, और उसका जो फैब्रिक है वो भी काफी अच्छा लग रहा है मुझे। इस तरीके से आपको रेड बॉर्डर मिल जाएगा, रेड एंड गोल्डन बॉर्डर और ब्लैक, ये जो कॉम्बिनेशन है ना ये अपने आप ही में एकदम एवन कॉम्बिनेशन है, मतलब मुझे बहुत पसंद है इस तरीके की कॉम्बिनेशंस। और सबसे अच्छी बात है कि इस साड़ी की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है, कोई कह नहीं सकता कि ये आपने मीशो से बाय किया है, बहुत ही सुंदर लग रही है। आप देख सकते हो इसका बॉर्डर, ये ब्लैक कलर की जो साड़ी है इसका मैं आपको दिखा देती हूँ, ऐसे नीचे तक ले लेना। ये देखिए इस तरीके से आपको ये रेड आंचल मिल जाता है इस तरीके से पल्ला, और ये ब्लैक कलर की पूरी साड़ी इस तरीके से आएगी। इस पे आपको ये गोल्डन छोटे छोटे गोल्डन प्रिंट्स नहीं है सॉरी एम्ब्रॉयडरी मिल जाएगी इस तरीके से, जो काफी अच्छी लग रही है। इस तरीके से चौड़ा बॉर्डर मिल जाएगा ऊपर है नीचे साड़ी पे, ये देखिए इस तरीके से ये पूरी साड़ी आपको ऑल ओवर मिलेगी, और ये आपका टकिंग पार्ट है जो प्लेन होता है इस तरीके से, ये देखिए ब्लैक, तो काफी अच्छी लग रही है, बहुत ही अच्छा ऑप्शन है ये पार्टी वेयर शादियों में पहनने के लिए। तो मुझे तो काफी अच्छी लगी ये साड़ी, आप देख सकते हो ये है इसका आंचल इस तरीके से रेड कलर में आएगा। और मैं आपको ब्लाउज दिखा देती हूँ, ब्लाउज का भी फैब्रिक इन्होंने काफी अच्छा दिया है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, इस तरह से आपको बॉर्डर में मिल जाता है और पूरा 80 सेंटीमीटर का आपको ब्लाउज का फैब्रिक मिल जाएगा, तो आप अच्छा सा कोई डिजाइन में ब्लाउज इस पे आप बनवा सकते हो रेड कलर पे, तो काफी अच्छा कॉम्बिनेशन होने वाला है और बहुत ही अच्छे से आप इसको स्टाइल कर सकते हो अपने तरीके से। तो मुझे तो ये साड़ी काफी पसंद आई इस तरीके से रेड आंचल, और ये देखिए इस तरीके से गोल्डन जो एम्ब्रॉयडरी की हुई है इस तरीके से छोटी छोटी, ये काफी अच्छी लग रही है। और ये जो मरून एंड गोल्डन का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है ना ये बहुत सुंदर लग रहा है, आप देख सकते हो कि पूरा ऑल ओवर कॉम्बिनेशन कितना अच्छा लग रहा है पहनने के बाद। तो मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है ये साड़ी, तो मुझे लगता है जरूर लेनी चाहिए आपको। ये देखिए तो
काफी अच्छी लग रही है, बहुत ही अच्छा ऑप्शन है एक शादी के लिए, फंक्शंस के लिए अगर आप पहनना प्रेफर करते हो। ब्लैक जिनको पसंद है उनके लिए तो कोई वही नहीं है, बिल्कुल इनको बाय करनी चाहिए। तो चलिए इसका भी ट्राई ऑन देख लेते हैं कि पहन के कैसी लग रही है, बट मेरी तरफ से 100% नेक्स्ट साड़ी है वो है बहुत ही प्यारा कलर है पिंक कलर, क्योंकि मुझे काफी अच्छा लगता है और पिंक कलर की काफी साड़ियां भी है मेरे पास। ये देखिए ये पूरा पिंक कलर की साड़ी है, मिल जाएगी आपको बनारसी टच पे, गोल्डन प्रिंट्स मिल जाएंगे आपको इस पे, हल्के हल्के से गोल्डन प्रिंट्स दिए हैं जो कि काफी अच्छे सूदिंग कलर लग रहा है। तो समर्स में आपको किसी फंक्शन या पार्टी में जाना है तो दिस ऑप्शन इज वेरी गुड फॉर यू गाइस, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी लग रही है। आप देख सकते हैं इस तरीके से ये आपका पल्ला आ जाएगा इस तरीके से, और बहुत ही लाइट वेट साड़ी है। इस तरीके से पूरी साड़ी पे आपको ये प्रिंट मिल जाते हैं, फैब्रिक भी बहुत अच्छा दिया हुआ है ये देखिए, और इस तरीके से आएगा। और ये आपको मिल जाएगा ब्लाउज पीस, ब्लाउज का भी फैब्रिक जो दिया हुआ है वो काफी अच्छा है। इस तरीके से पूरे इस पे ये आपको थ्रेड का आपको ये मिल जाएगा एम्ब्रॉयडरी, तो काफी सुंदर लग रही है ये साड़ी। ब्लाउज भी काफी अच्छा है, तो अपने अकॉर्डिंग आप स्टाइल कर सकते हो उसको। और ये आपका टकिन पार्ट आ जाएगा, और ये पूरी ऑल ओवर साड़ी आपको इस तरीके से मिलेगी। ये आपको इस तरह से बॉर्डर मिल जाता है ये देखिए, और ये आपका पल्ले का पार्ट आ जाता है। तो मुझे लग रहा है कि ये बहुत ही अच्छे ऑप्शंस हैं फंक्शन एंड पार्टीज में पहनने के लिए। अगर आपके घर में कोई फंक्शन है, शादी है, कुछ भी है, तो डेफिनेटली आप बाय कर सकते हो। किसी आगे अभी और भी फेस्टिवल्स आएंगे तो उसमें भी आप इसको वेयर कर सकते हो। बहुत ही लाइट वेट है, बहुत ही प्यारा कलर है, फैब्रिक भी A1 है, तो गो फॉर इट गाइस। तो चलिए देख लेते हैं इसका भी ट्राई ऑन, और स्क्रीन पे आपको प्राइजेस मिल जाएंगे एंड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं इसका ट्राई ऑन। ये था मेरा आज का मीशो कुर्ती हॉल, तो कैसा लगा आपको मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं आपके लिए अच्छे अच्छे कुर्तीज हो या अच्छे अच्छे चीजें लेकर के आऊं और आपको पसंद आए। और साड़ी भी थी इसमें इंक्लूडेड, तो वो कैसी लगी वो मुझे जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।